अज्ञात डेड बॉडी पड़ी हुई है पुलिया के नीचे मैन देवास भोपाल हाईवे पर। जाकर तस्दीक करने पर पता चला कि पिछले दो दिन से जो पटवारी गायब था, जो गुमशुदा था, ये उसकी डेड बॉडी है। सोनकच्छ में पदस्थ नीरज पिता कमल सिंह परते, उम्र 33 वर्ष, ये 10 तारीख से गुम था। और इसकी डेड बॉडी कल सुबह हमको मिली थी। घटनास्थल पर जाके देखा तो पता चला था कि उसका गला रेतकर हत्या कर दी गई है। हमारी साइबर की टीम ने और थाना बीएनपी की टीम ने इसमें लगातार मेहनत की, सूचना एकत्रित की और कल ही 24 घंटे के अंदर अंदर हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अनिल कुमार सरयाम है, जिसको भोपाल से हम लोगों ने कल शाम को अरेस्ट किया है। पूरा घटनाक्रम इस तरह से है कि मृतक की अभी 2 हफ्ते पहले शादी हुई थी। शादी के बाद से ही उसके घर पर एक व्यक्ति आके उसके घर के आसपास चक्कर लगाने लगा था। उसका नाम था, जो आरोपी है, अनिल कुमार सरयाम। उसकी दोस्ती की मृतक से, उसने दोस्ती करके ढाबे पर खाना खाने लेकर गया। खाना खाने के बहाने उसको शराब पिलाई और शराब पिला के मोटरसाइकिल पर अपने साथ बैठा के सुनसान स्थान पर लेकर उसकी गला रेतकर हत्या कर दी थी। हत्या के पीछे कारण वजह ये सामने आ रही है अभी तक कि ये जो आरोपी है अनिल कुमार सरयाम, ये मृतक की पत्नी का परिचित था, उससे लगातार फ़ोन पर बात करता रहता था और उससे मिलने जाता रहता था। तो इसमें उन दोनों ने मिलके और फिर मृतक नीरज की हत्या की है। जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है, बाकी और सबूत इसमें जुटाए जा रहे हैं। इसमें पत्नी को भी आरोपी बनाया, पत्नी के साथ इसकी चैट और ये अभी चेक की जा रही है। अभी तक जो केवल मुख्य आरोपी है उससे पूछताछ की जा रही है, जो भी सबूत आएंगे उसके आधार पर उसको आरोपी बनाया जाएगा। कैसे पकड़ा गया ये पुलिस को गुमराह कर रहा था इसका। पहले तो सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे में पता चला था कि ये दो लोग मोटरसाइकिल पर बैठ के जा रहे हैं। उसके बाद में भोरासा टोल पर केवल एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर जाता हुआ दिखाई दिया। जब इसे पूछा गया तो इसका कहना था कि मृतक मेरे साथ से किसी और के साथ चला गया था। उसका कहना था कि मुझे किसी और के साथ घर जाना है, तो मैंने उसको उतार दिया था। किसी और लोगों ने हो सकता है इसकी हत्या की हो। एक पूरे दिन तक ये आके उसको खोजने में मदद भी करता रहा कि साहब हम लोग मिलकर खोजते हैं इसको कि कहाँ पर है ये। उसके बाद जैसे उसको शक हुआ कि मेरे ऊपर सुई जा सकती है, शंका की, तो वो यहाँ से भाग गया। भोपाल भागा हुआ था तो कल उसको वहाँ से गिरफ्तार किया। वाली थी पत्नी, इसकी शादी सोनकच्छ से वहाँ हुई थी, वहीं के ये दोनों थे। ये अपने आप को, ये पत्नी और ये अपने आप को मौसेरे भाई भी बताते हैं, चचेरे मौसेरे भाई भी, भाई बहन भी बताते हैं एक दूसरे को। अभी वेरीफाई करना बाकी है कि एक्चुअली इनके कोई रिलेशनशिप था या फिर केवल यही था। महिला का कहना था कि मेरा मौसी का बेटा है, एक दिन एक घर पर भी गया था, रुका भी था इनके। अभी तक की पूछताछ में ऐसा कुछ निकल कर सामने आया क्या सर, की पत्नी ने उसे कहा हो कि इसे रास्ते से हटाना है? इसमें दोनों मृतक की पत्नी और मुख्य आरोपी के मोबाइल फ़ोन हमने जब्त किए हैं, उसमें घटना दिन से 2-3 दिन पुरानी, 3 दिन से लेकर अब तक की सारी चैट उन्होंने डिलीट की है। उनकी कॉल डिटेल्स में और अन्य रिकॉर्ड्स में मैसेजेस और चैट होना पाया गया है। हम उसको रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बात की थी। यदि इन दोनों की मिली भगत पाई जाती है तो उसको भी आरोपी बनाया जाएगा, और भी कोई सबूत मिलता है तो पत्नी को भी आरोपी बना के गिरफ्तार। सर, जो हत्या है वो गला रेत के ही की गई है? गला काट के। सर, तरीका वारदात क्या बताया आरोपी ने, किस तरह से ले गया, कैसे गया? ये अपनी मोटरसाइकिल पर इसको शराब पिलाने के बाद लेकर गया था। रास्ते में एक जगह पुलिया आती है, पुलिया पर गाड़ी रोकी इसने, रोक के और उसको बैठाया, एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, और बैठ के बातें करते करते उसने अपने यहाँ से चाकू निकाला। अकेले था? अकेले। सर, एक नाम क्या करता? मौसेरा भाई, बात सुनिए, मौसेरा भाई है। तो एक दिन वो घर पर रुकने में भी सफल रहा इस रिलेशनशिप के नाते, लेकिन वो तो इस प्रयास में था कि इससे दोस्ती हो जाए, बातचीत हो जाए, परिचय हो जाए, घर में एंटर कर जाऊँ, या फिर इस व्यक्ति की, तो प्री प्लान था कि इसकी हत्या करनी है इसलिए।